नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 14 मई 2023 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब हम हमारी पिछली वीडियो के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। हमारा प्रश्न था कि निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला संभाग नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो देवास है ये संभाग नहीं है। ये बाकी जो तीन ऑप्शन है ये संभाग में है। इन्हें मैप में भी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला संभाग है। तो जो भोपाल है यह भी संभाग है, फिर इंदौर, उज्जैन, इसके अलावा जबलपुर, फिर ग्वालियर, मुरैना, रीवा, इसके अलावा फिर एक और जो शहडोल, ये नर्मदापुरम और सागर, ये सभी संभाग हैं। ये जिले भी हैं और ये इनके संभाग मुख्यालय भी हैं। टोटल मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं और मध्य प्रदेश का जो 11वां संभाग है ये छिंदवाड़ा प्रस्तावित है, यानी कि जब भी संभाग बनाया जाएगा तब छिंदवाड़ा को बनाया जाएगा। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भोजपुर किस जिले में स्थित है। हमारे ऑप्शन है भोपाल में, विदिशा में, रायसेन में या राजगढ़ में। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें। इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप जनवरी से दिसंबर 2022 की पीडीएफ और इसी के साथ मध्य प्रदेश करंट अफेयर की 1000 MCQ की पीडीएफ सिर्फ 20 रुपए में ले सकते हैं और जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 की कंप्लीट पीडीएफ भी 20 रुपए में ले सकते हैं और आप मंथली एमपी करंट अफेयर्स पीडीएफ सिर्फ 10 रुपए में ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस एयरपोर्ट का रनवे ट्रायल के बाद प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा रनवे होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डुमना एयरपोर्ट। ये कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है। अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में स्थित है और राजा भोज एयरपोर्ट ये भोपाल में स्थित है और राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट ये ग्वालियर में स्थित है। आप देख सकते हैं इस पर पत्रिका का न्यूज आर्टिकल भी है कि प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा रनवे ट्रायल को लेकर तैयार है और ये होगा जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट। अभी तक सबसे लंबा एयरपोर्ट का जो रनवे है वह कौन सा है? तो इंदौर का है और दूसरे स्थान पर अभी भोपाल है, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये ट्रायल तब ये तीसरे स्थान पर आ जाएगा। तो जबलपुर डुमना एयरपोर्ट के नए रनवे पर इंडिगो का विमान ट्रायल रन करेगा और अब इस रनवे की लंबाई 2750 मीटर हो जाएगी। अभी डुमना एयरपोर्ट का जो रनवे है इसकी लंबाई 1998 मीटर है और इसी दूरी पर ही विमान उतर रहे थे। और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा रनवे इंदौर का जो अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है इसकी लंबाई है और इसकी लंबाई कितनी है? यह है 2754 मीटर, यानी कि अभी सबसे लंबा जो रनवे है ये इंदौर के एयरपोर्ट का है 2754 और जब ये ट्रायल पूरा हो जाएगा तब दूसरे नंबर पे आ जाएगा जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट और इसके रनवे की लंबाई हो जाएगी 2750 मीटर, यानी कि इंदौर से 4 मीटर कम। और फिर जो राजा भोज एयरपोर्ट है जो कि अभी तक मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट है और इसके रनवे की लंबाई है 2744 मीटर, यानी कि आप देख लीजिए 2754 तो है इंदौर की और अभी 2744 है राजा भोज की, लेकिन जब जबलपुर के जो एयरपोर्ट है इसके रनवे का ट्रायल पूरा हो जाएगा तब इसकी लंबाई 2750 मीटर हो जाएगी। उसके बाद में राजा भोज एयरपोर्ट का जो रनवे है ये प्रदेश में तीसरे स्थान पर आ जाएगा, फिलहाल अभी ये दूसरे पर है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, सबसे लंबा है इंदौर रनवे, फिर दूसरे पर अब होने वाला है जबलपुर एयरपोर्ट का रनवे और तीसरे स्थान पर आ जाएगा राजा भोज एयरपोर्ट का रनवे। और अभी हाल ही में ही 15 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रीवा एयरपोर्ट के निर्माण का शिलान्यास एवं भूमि पूजन भी किया है। जब ये एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा तब मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या 6 हो जाएगी। अभी मध्य प्रदेश में 5 संचालित एयरपोर्ट हैं और मध्य प्रदेश के खजुराहो एयरपोर्ट पर फ्लाइंग एविएशन एकेडमी भी प्रारंभ की जा रही है। इसके अलावा यात्रियों को अच्छी सुविधा देने के मामले में जो भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट है यह देश में दूसरे स्थान पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से
देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये देवास में प्रस्तावित है। और जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ई ग्रंथालय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ये भोपाल में स्थित है, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ये ग्वालियर में स्थित है, और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ये जबलपुर में स्थित है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसका ट्वीट भी है कि श्री मांगू भाई पटेल और डॉक्टर मोहन यादव ने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ई ग्रंथालय का एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया है। कब किया गया इसका आयोजन? तो 12 मई 2023 को भोपाल में बरकतुल्ला स्टेट में होगा, स्थित होगा। भोपाल स्थित बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ई ग्रंथालय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका शुभारंभ राज्यपाल श्री मांगू भाई पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, देवी लोक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सलकनपुर में। कब किया जाएगा? तो ये 29 से 31 मई 2023 तक सीहोर जिले के सलकनपुर में देवी लोक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, और सलकनपुर में ही भव्य और दिव्य देवी लोक का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में मुंबई के बर्ली सी लिंक की तर्ज पर खूबसूरत केबल सस्पेंस ब्रिज का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जबलपुर में। आप देख सकते हैं इस पर ये न्यूज आर्टिकल का कटआउट भी है कि भेड़ाघाट की खूबसूरती में चार चांद लगाएगा केबल सस्पेंस ब्रिज। और जो ये जबलपुर में रिंग रोड बनाई जा रही है, यहां पर इस केबल सस्पेंस ब्रिज को बनाया जाएगा। तो भारत की दूसरी सबसे लंबी रिंग रोड जबलपुर में बनाई जा रही है, जिसकी कुल लंबाई 118 किलोमीटर होगी। और इसकी खास बात यह है कि जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे 45 और जबलपुर रायपुर नेशनल हाईवे 30 को जोड़ने वाली रिंग रोड पर्यटन स्थल भेड़ाघाट की खूबसूरती को भी बढ़ाएगी। और रिंग रोड के इसी हिस्से में मुंबई के बर्ली सी लिंक की तर्ज पर खूबसूरत केबल सस्पेंस ब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा। ये केबल सस्पेंस जो ब्रिज है, इसका निर्माण भेड़ाघाट के पास में होगा। वो जो ये ब्रिज बनेगा, इसकी कुल लंबाई 900 मीटर होगी और ये 6 लेन चौड़ा होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेडर्स वॉच कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल में। आप देख सकते हैं कि भोपाल में पहली बार बेडर्स वॉच का जो आयोजन है ये किया गया, और इसमें 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। और बेडर्स वॉच में देखा गया सबसे बड़ा बेडर पक्षी सारस क्रेन। तो हाल ही में ही भोपाल बर्ड संस्था द्वारा भोजताल, जो कि भोपाल में स्थित है और यह रामसर स्थल में भी शामिल है, यहां पर पहली बार बेडर्स वॉच लंबी टांगों वाले पक्षी की गणना का जो एक कार्यक्रम है यह आयोजित किया गया, और इसमें करीब 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम में जो प्रतिभागी थे, इन्होंने लगभग 23 प्रकार के बेडर्स पक्षियों की चिन्हित पक्षियों को वहां पर देखा है या उन्हें चिन्हित किया है। इसमें कार्यक्रम में ऐसे पक्षियों को शामिल किया गया था जो लंबी टांगों वाले हैं। अब हम 13 मई 2023 की, यानी कि हमारी जो पिछली वीडियो थी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, उसके प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, 12 मई 2023 को मध्य प्रदेश में 406 गो एम्बुलेंस की शुरुआत की गई, इस एम्बुलेंस को किस नंबर पर कॉल करके बुलाया जा सकता है? तो इस पर 1962 नंबर पर कॉल करके इस गो एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता है, और इसका शुभारंभ भोपाल के लाल परेड मैदान से किया गया है। रेडियो पर श्री अन्न के फायदे बताने के लिए किस विश्वविद्यालय ने आकाशवाणी के साथ एक एमओयू साइन किया है? तो यह किया गया है राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, और यह ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित शौर्य स्मारक में रेजांगला युद्ध स्मारक विकसित किया जाएगा? तो शौर्य स्मारक स्थित है भोपाल में। निम्न में से किस जिले में स्थित हवाई पट्टी को उड़ान योजना में विकसित और संचालित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है? तो यह लिया गया है दतिया में स्थित है हवाई पट्टी। मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसिडर कौन थी, जिन्हें अब हटा दिया गया है? तो मेघा परमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसिडर थी, और इन्हें अब इस पद से हटा दिया गया है।
वैसे अगर आप मध्य प्रदेश के प्रमुख ब्रांड एम्बेसिडर के ऊपर बनी वीडियो देखना चाहते हैं तो जो वीडियो आपके सामने शो हो रही है उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।